नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज वेस्ट चंपारण नरकटियागंज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच चुकी है नरकटियागंज में। नरकटियागंज में नगर निगम चुनावी दंगल 2022 में आपका स्वागत है। यहां पे हम आपको उप सभा प्रत्याशी आशा देवी के प्रतिनिधि मालिक मिश्र से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि कौन सी मुद्दा लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले तो हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर आप अपना परिचय देंगे। मैं मालिक मिश्रा वार्ड नंबर 20 का निवासी हूँ जी। मेरी माता जी आशा देवी उप सभापति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं जी। जिनका चुनाव चिन्ह पीपल का पत्ता छाप है। आप सभी सम्मानित जनतागण से मेरा अनुरोध है, विनती है, आग्रह है, एक स्वच्छ छवि, एक स्वच्छ व्यक्तित्व को लाया जाए। कैंडिडेट वाइज आप सबको देखिए, अगर मेरा छवि सही है एक मौका मुझे भी दिया जाए। सभी लोगों ने कोई ना कोई पोस्ट होल्ड किया है। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और अपना विचार हमें भी प्रकट करने का मौका दिया जाए। सभी लोग दिखा चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं, पोस्ट में रहे हैं, एक मौका स्वच्छ छवि को दिया जाए। अगर मेरे विषय में पता किया जाए, अगर मैं सुयोग्य हूँ, समाजी हूँ, किसी का कोई अहित नहीं किया हूँ, तो आपसे अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, कृपया एक मौका दिया जाए। सर मुख्य उद्देश्य क्या है आपका मिश्रा जी? देखिए, मुख्य उद्देश्य मेरा, मैं यहाँ का वासी हूँ, नगर परिषद नरकटियागंज का जी। और यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख के मुझे बहुत दुख होती है। जैसे बताएंगे? जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ अगर कहीं भी सैर करने के, टहलने का, व्यायाम करने का, ऐसा कोई सुंदर जगह नहीं है, प्रदूषण मुक्त नहीं है जी। एक ऐसा जगह होना चाहिए नरकटियागंज में जो बाहर से कोई आए तो वो उसके इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो कि हम उस जगह को देखें। ऐसी सुंदर एक गार्डन का हम निर्माण करना चाहते हैं, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। एक पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, सुबह लोग टहल सके और शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सके, स्वास्थ्य बढ़िया हो सके और नरकटियागंज की गरिमा बढ़े। चलिए, ये तो स्वास्थ्य के मुद्दा के लेकर के हो गया। शिक्षा के मुद्दा पे क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के मुद्दा पे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी स्कूल हैं, आप जब भ्रमण कीजिएगा उसके चारों तरफ कचरा ही कचरा नजर आएगा। साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था नहीं है तो मेरा दूसरा प्राथमिकता है कि साफ सफाई की व्यवस्था हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं और गंदगी से बीमार होते हैं और परिवार पूरा दुष्प्रभावित होता है जी। आप अपने नगर की जनता को क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं नगर की जनता से आग्रह अनुरोध करता हूँ, कृपया एक मौका दिया जाए जी। एक स्वच्छ व्यक्तित्व को लाया जाए। स्वच्छ व्यक्ति ही स्वच्छ विचार को प्रकट कर सकता है, अच्छा नगर परिषद का निर्माण कर सकते हैं, अच्छा नगर परिषद का निर्माण कर सकता है, संकीर्ण विचारधारा नहीं है जी। चलिए, देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। मैं आलोक रंजन, कैमरामैन सुनील के साथ में आपकी मुलाकात करवाए हैं मालिक मिश्र से। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज।